खुशियाँ यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की खुशियाँ है। ये यहाँ पर सभी नौजवान नवयुवक यहाँ पर आप देख रहे हैं आतिशबाजी, यहाँ पर ये देखिए ये पूरी खुशियाँ मनाई जा रही है यहाँ पर आतिशबाजी के साथ में। आतिशबाजी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आतिशबाजी के साथ में यहाँ पूरा का पूरा यहाँ देखिए यहाँ आतिशबाजी के साथ यहाँ आज जो है उद्घोष हो गया है राम मंदिर का। आप देख पा रहे हैं तो ये आतिशबाजी राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसकी आतिशबाजी है। यहाँ देखिए राम भक्तों द्वारा आतिशबाजी कर किस तरीके से खुशी मनाई गई है। और हमारे साथ यहाँ पर सभी युवा बने हुए हैं। एक और जहाँ अयोध्या में राम मंदिर का आज निर्माण जो भूमि पूजन होने वाला है उसी में और यहाँ खुशियाँ मनाई गई है और जय श्री राम के नारे बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी शर्मा जो भाजपा के युवा नेता हैं और वाकई ही आज जो ये आयोजन है ये हिंदुत्व के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो जहाँ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज जो है यहाँ पे भूमि पूजन किया जा रहा है। वहीं यहाँ सूर्य प्रकाश जी जानते हैं कि आज जो खुशी का आनंद का माहौल है उत्साह का माहौल है और पूरा किशनगढ़ सरी आज इस खुशी के माहौल में तो सूर्य प्रकाश जी का आज भाव जानते हैं। सूर्य प्रकाश जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जय श्री राम। आज हमको इतना इतना मन प्रफुल्ल हो रहा है कि पूछो मत। इतनी खुशियाँ कि मोदी जी आज हमको जितनी खुशियाँ दे रहे हैं उतनी कम आज, मतलब जितनी खुशियाँ हम बनाए उतनी खुशियाँ बहुत कम है आज। पिछली बार इसी 5 अगस्त को हमने इसी जगह जब धारा 370 हटी थी उसकी खुशियाँ मनाई थी। आज सिर्फ एक साल बाद वापस मोदी जी ने हमको ये खुशी मनाने का मौका दिया। मतलब मोदी जी के राज में हम हर रोज हर महीने हर दिन दिवाली के रूप में मनाते हैं। हम कल भी हमने दीपक जलाए थे, आज भी दीपक जला रहे हैं। राम मंदिर जो सालों पुराना बरसों पुराना मैटर मोदी जी के राज में मोदी जी ने हमको ये सौगात दी है उसके लिए मोदी जी का तहे दिल का स्वागत है। हम तहे दिल का धन्यवाद आभार है मोदी जी का। और मैं तो सभी दुनिया वालों को सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये मोदी जी आम इंसान नहीं हो सकते, ये आम आदमी नहीं हो सकते, ये धरती पर भगवान का अवतार लेके आए हैं। यहाँ पे जैसे बरसों पुराने जब रावण कंस इनका नाश करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लिया, ठीक वैसे ही इस धरती पर भगवान के रूप में मोदी जी ने अवतार लिया है जो सभी भ्रष्टाचार सभी राक्षसों को खत्म करने के लिए आए हैं। जय श्री राम। हर और हमें खुशियाँ कंटिन्यू बना रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मोदी जी हमको पूछो मत इतनी खुशियाँ को सब दिन मोदी जी के लिए हमारे लिए यहाँ पे। जय श्री राम। खुशियों का अंबार सा लग गया है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है आज अयोध्या पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है। यही खुशियाँ आज सभी युवाओं के बीच में लग रही है। धन्यवाद।